परमात्मा की भक्ति का सांख्य अथवा कर्म योग से क्या संबंध? सांख्य योग के कारण मनुष्य स्वयं को आत्मा के रूप में जानता है। कर्म योग से वो जीवन के बंधनों से छूट जाता है और भक्ति के कारण मनुष्य को परमात्मा के वास्तविक रूप का ज्ञान होता है। परमात्मा के ज्ञान से मनुष्य जन्म मरण के फेरों से छूटकर सच्चिदानंद स्वरूप को प्राप्त कर लेता है। परमात्मा में समाकर स्वयं परमात्मा हो जाता है। जैसे जल की छोटी सी बूंद जब सागर में मिलती है तो स्वयं सागर बन जाती है। अर्थात इस शरीर का कोई महत्व ही नहीं है माता? अवश्य महत्व है पार्थ। शरीर के माध्यम से ही मनुष्य को परमात्मा का साक्षात्कार होता है। मृत्यु और नए जन्म के बीच के समय में आत्मा के ज्ञान में वृद्धि नहीं हो पाती। इस जन्म में प्राप्त अनुभव ज्ञान विचार और अभ्यास को लेकर आत्मा नया शरीर धारण करती है। आत्मा की प्रगति और अधोगति शरीर में रहकर ही संभव है। परंतु माधव, यहां उपस्थित व्यक्तियों का वध करके क्या हम उनके उद्धार की संभावना को नष्ट नहीं कर देंगे? तुम्हारे शत्रु धर्म की मर्यादा को तोड़ चुके हैं पार्थ। अधर्म ही उनका स्वभाव बन गया है। उनका उद्धार अब असंभव है। अपराधी को एक सीमा तक ही उद्धार का अवसर दिया जा सकता है। मैंने शिशुपाल के 99 अपराधों को क्षमा किया था, किंतु 100 अपराधों के पश्चात उसे दंड देना आवश्यक था। अपराधी को यदि अपराध करने दिया जाए तो उसका अधिक से अधिक पतन होता है। उसे अधर्म से रोकने में ही करुणा है धनंजय। ये आत्माएं मरेंगी नहीं, अधर्म से दूषित शरीर का त्याग करके नया शरीर धारण करेंगी और उस शरीर में उनकी प्रगति की संभावना अधिक होगी। इस विचार से यदि तुम युद्ध करोगे तो वो उचित है। मनुष्य का शरीर उसकी संपत्ति भी है और मर्यादा भी। धर्म के मार्ग पर प्रवास करने वाला मनुष्य अपने शरीर को शुद्ध करता है और उसके माध्यम से आत्मा का साक्षात्कार करता है। इसी को क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संबंध कहा गया है। मैं इसका तात्पर्य नहीं जान पाया माधव। जब मनुष्य ये जान लेता है कि उसका शरीर एक भूमि का टुकड़ा है अर्थात क्षेत्र है और वो शरीर में रहने वाला उस शरीर को समझने वाला अर्थात क्षेत्रज्ञ है, तब वो शरीर के माध्यम से अपनी प्रगति साध पाता है। आत्मा शरीर में रहकर 3 गुणों का समतोलन करती है। तमस को घटाकर सत्व को बढ़ाने का उपाय करती है और ईश्वर की भक्ति करके परमात्मा के साथ एक हो जाती है।